Hello students, hope you all are safe and learning well at your home. Today we are going to start a new topic of writing, that is paragraph writing. This topic you have learnt in your previous classes also, but आज हम इसे और भी अच्छे से समझेंगे और पैराग्राफ को कंपोज करना भी सीखेंगे. द फर्स्ट थिंग बिफोर कंपोजिंग ए पैराग्राफ इज What is a paragraph? Paragraphs are groups of sentences that share a common idea. It is usually about 5 to 7 sentences, but it can be longer or shorter. सारे सेंटेंस एक सर्टेन टॉपिक पर लिखे जाते हैं. हर सेंटेंस मेन टॉपिक से रिलेट होता है. पैराग्राफ किसी चीज को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करता है. एक पैराग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज टॉपिक सेंटेंस. द सेकेंड पार्ट इज सपोर्टिंग सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज कंक्लूडिंग सेंटेंस. कम टू द टॉपिक सेंटेंस. ये सेंटेंस रीडर को पैराग्राफ के मेन आइडिया बताते हैं या यह बताते हैं कि पैराग्राफ किस बारे में होगा. नेक्स्ट सपोर्टिंग सेंटेंस. This sentence gives specific details relating to the main idea. Next, concluding sentence. This sentence sums up the main idea of the paragraph. Means, जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं तो आप टॉपिक सेंटेंस यूज करते हैं रीडर को यह बताने के लिए कि आप क्या कहने जा रहे हैं. Then आप सपोर्टिंग सेंटेंस यूज करते हो यह बताने के लिए कि आप कहना क्या चाहते हैं. और लास्ट में आप कंक्लूडिंग सेंटेंस यूज करते हो मेन आइडिया को रिपीट करने के लिए और पैराग्राफ में आपने क्या कहा उसकी शॉर्ट समरी देने के लिए. किड्स, लुक एट दीज 2 पैसेजेस. रीड इट केयरफुली एंड टेल मी विच इज एन एक्चुअल पैराग्राफ. आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा होगा. लेट्स रीड द फर्स्ट पैसेज विथ मी. माई मदर इज अ टीचर. किड्स, पैसेज के फर्स्ट सेंटेंस को रीड करने के बाद क्या आप बता सकते हो कि ये किस बारे में है? यस, एक्सीलेंट. दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट समवन्स मदर हु इज अ टीचर. लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन. She goes to the school daily and works really hard. Now, tell me students, क्या second sentence same mother के बारे में बता रहा? Yes, first and second sentence एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Come to the next sentence. She works not only in the school but also at home. क्या मैं अभी भी सेम मदर के बारे में बात कर रही? यस, तो अभी तक ये तीनों सेंटेंस सेम टॉपिक पर ही हैं. कम टू द लास्ट वन. समटाइम शी गेट्स इरिटेटेड बट देन शी काम्स डाउन हरसेल्फ एंड गेट्स बैक टू वर्क अगेन. यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये सेंटेंस सेम कैरेक्टर मीन्स मदर को डिस्क्राइब कर रहा है. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैसेज. माय मदर इज अ टीचर. द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ बोथ द पैसेजेस आर सेम. तो यहाँ भी हम सेम टॉपिक मींस मदर के बारे में बात कर रहे हैं. अब सेकेंड सेंटेंस रीड करिए. आई लव माय डॉग ब्लैकी. हम मदर के बारे में बात कर रहे थे, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में डॉग के बारे में कहा गया है. क्या दोनों सेंटेंस में कोई लिंक है? नहीं ना, दोनों सेंटेंस अलग टॉपिक पर हैं. लेट्स रीड द नेक्स्ट सेंटेंस. आई लव फ्रूट्स. वी आर गोइंग टू दिल्ली. द बुक इज इंटरेस्टिंग. चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क. किड्स, टेल मी, क्या आपको इस पैसेज के किसी भी 2 लाइंस में कोई कनेक्शन दिख रहा है? नहीं ना,
हर लाइन किसी न्यू टॉपिक के बारे में बता रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं एक्चुअल पैराग्राफ कौन सा है? यस, द फर्स्ट वन। तो अब आपने पैराग्राफ आइडेंटिफाई करना और लिखना सीख लिया। तो आइए हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। द टॉपिक इज ट्री। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। ट्री आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। They play a very important role in our life. They give us timber, paper, flowers, fruits, etc. They also give us medicines. We need them for oxygen and good health. Trees also help to control pollution. They cause rainfall and protect water resources under the ground. Therefore, we should try our best to grow more trees. So kids, इस तरह से हम एक गुड पैराग्राफ कंपोज कर सकते हैं। Today, we have learned how to write a paragraph. I hope you have got clear concept of writing paragraph. Now, it's practice time. Note down the question. Write a short paragraph on the lion. So kids, that's it for today. Again we will meet in the next video. Thank you. Bye.